आप सभी जानते हैं कि सड़क पर चल रही गाड़ियां वातावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने पहली बार साल 2000 में BS नॉर्म्स लागू किया, जो पिछले कुछ दिनों तक BS यानी भारत 6 स्टेज तक था, और अब सरकार इसे बदलकर RDE नॉर्म्स यानी कि रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन लागू कर रही है, जिसे BS6 2.0 भी कहा जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सरकार को ये बदलाव करने पड़ रहे हैं, इन बदलाव की वजह से क्या फायदे होने वाले हैं और ये BS की क्या हिस्ट्री है, जानेंगे BS6 और RDE यानी कि BS6 2.0 में क्या अंतर है। BS यानी भारत स्टेज क्या है? बात है साल 2000 की, जब भारत सरकार ने पहली बार यूरोप की तर्ज पर उत्सर्जन यानी एमिशन के लिए पैरामीटर डिसाइड किए, जिन्हें भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड यानी BSES के नाम से जाना गया, जिन्हें साल दर साल अपग्रेड किया गया, जिससे उत्सर्जन और प्रदूषण पर नियंत्रण के नियम कुछ और सख्त होते रहे और इन नए मानकों को BS1, BS2, BS3 कहा जाता रहा। इसी तरह चलते हुए 1 अप्रैल को BS6 लागू कर दिया गया। BS6 नॉर्म्स के तहत गाड़ियों में पॉल्यूटेंट्स का एमिशन कम करने के लिए कुछ और नई तकनीकें लाई गई, जैसे पार्टिकुलेट फिल्टर्स और SCR यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन वगैरह। पार्टिकुलेट फिल्टर्स धुएं के साथ निकलने वाले कणों को रोकते हैं और कैटालिटिक रिडक्शन से हानिकारक गैस कम निकलती है। इसके अलावा इंजन का मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहतर किया गया। इन सब नए जरूरी बदलावों को व्हीकल इंडस्ट्री सेक्टर पर फर्क पड़ा, क्योंकि उत्सर्जन के लिए नए सख्त मानक अपना पाना हर गाड़ी के लिए मुश्किल था। छोटी हैचबैक कारों और सेडान सेगमेंट में डीजल इंजन वाली गाड़ियां गायब हो गईं। वजह थी कि इन गाड़ियों को नए मानकों के मुताबिक अपग्रेड करने में कंपनी को खर्च ज्यादा आ रहा था और बाजार में इन गाड़ियों की मांग कम हो चली थी। जिन गाड़ियों को BS6 नॉर्म्स के हिसाब से अपग्रेड किया गया वो महंगी हो गई। RDE नॉर्म्स यानी कि BS6 2.0 क्या है? RDE नॉर्म्स कुछ और नहीं बल्कि BS6 का अपडेटेड वर्जन है। केवल BS6 में कुछ नियम जोड़े गए हैं, जिनमें सबसे अहम नियम है रियल ड्राइविंग एमिशन, जिसके चलते अब सभी गाड़ियों के उत्सर्जन के स्तर की रियल टाइम में निगरानी की जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग को ऐसे समझिए कि एक ही कंपनी की एक ही मॉडल की दो गाड़ियां दो अलग अलग ड्राइवर अलग अलग तरह से चला रहे हैं, या उनके रास्ते के ट्रैफिक में फर्क है तो उनका एमिशन लेवल अलग अलग हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए गाड़ियों में OBD सिस्टम लगाया जाएगा। OBD यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। ये डिवाइस कैटालिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे इंजन के जरूरी हिस्सों की निगरानी करेगा और इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के स्तर को मापेगा। BS6 और BS6 2.0 में क्या है अंतर? अगर आपको लग रहा है कि नए नियम लागू होने के बाद बहुत बड़े ज्यादा बदलाव हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। BS6 के पहले फेज और इस फेज में यही एक फर्क है कि BS6 वाली गाड़ियों में प्रदूषण की जांच लैबोरेटरीज में ही होती थी, लेकिन अब BS6 के फेज 2 मॉडल को अपनाने वाली गाड़ियों में प्रदूषण की रियल टाइम जाँच होती रहेगी। साथ ही BS6 2.0 के आने से एमिशन नियम और ज्यादा सख्त हो जाएंगे। BS6 में कार्स लैब में टेस्ट की जा रही थी, तो वहीं अब BS6 वर्जन 2 में कार्स लैब्स के साथ साथ वास्तविक दुनिया की स्थिति में टेस्ट की जाएगी। इसे लागू करने के लिए इंजन्स को अपडेट किया जाएगा और इसमें ऑनबोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक यंत्र लगाया जाएगा। इससे समय पर ड्राइवर के बदलते बदलाव और ट्रैफिक की स्थिति का पता चलेगा। RDE लागू होने से फायदा। 1 अप्रैल 2023 के बाद देश में केवल RDE अपडेटेड इंजन वाली गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ सरकार पहले ही देश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों की व्हीकल क्रैश पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर उन्हें सड़क से हटाने का काम शुरू कर चुकी है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। RDE लागू होने से मार्केट पर असर। RDE लागू होने के बाद 15 से ज्यादा कार तो पहले ही मार्केट से बाहर हो चुकी हैं और मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन्स को BS6 स्टेज 2 अपडेट देने के लिए हुए खर्चे का असर बढ़ी हुई एक्स शोरूम कीमत के रूप में दिख सकता है। हाल ही में BS6 स्टेज 2 अपडेट के बाद क्रेटा की कीमत में 45,000 रुपये और वेन्यू की कीमत में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। आने वाले समय में कंपनीज नए BS6 2 मॉडल्स को पेश कर अपने पोर्टफोलियो से कुछ मॉडल्स को बंद कर सकती हैं। BS6 स्टेज 2 कार्स बॉडी स्टाइल और इंजन के अनुसार 10,000 से 50,000 रुपये तक महंगी होंगी।
तो यदि आरडीई नॉर्म्स की जानकारी आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।